हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज माय सेकंड डे इन फ्रेडरिक्टन। अच्छा, तो यार आज का दिन का आगाज जो है वो इस तरह है कि आज कुछ छोटे छोटे काम है वो करने हैं। आज बैंक जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, और उसके बाद कुछ घर के लिए ज़रूरी चीज़ें लेके आनी है, खाने वगैरह के लिए कुछ चीज़ें लेके आनी है। तो अभी तो मैं घर से निकल गया हूँ, तो सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ यूनिवर्सिटी चला जाऊँ, एक छोटा सा काम है यूनिवर्सिटी वो कर लूँ। नहीं तो फिर वहाँ से जो है फिर हम आगे वॉलमार्ट जाएंगे। सो, अभी यार मैं वॉलमार्ट गया था तो कुछ लेके, खास कर तो कुछ नहीं आया क्योंकि समझ ही कुछ नहीं आ रही थी, बिकॉज थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट हियर, इतनी आसान नहीं है, अभी कुछ टाइम लगेगा समझने में। सो आई विल प्रोबेबली गो देयर बैक अगेन विद सम वन हु हैज़ अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही कैन गाइड मी। तो अभी मैं घर वापस जा रहा हूँ, वॉलमार्ट यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की वॉक पे था। तो मौसम यार अभी थोड़ा सा अच्छा हुआ है, बारिश वाला लग रहा है। सो देखो, कनियाँ तो पड़ रही हैं काफ़ी, बट लेट्स सी कि बारिश होती या नहीं होती। तो बस अभी मैं अपने घर के रूट पे हूँ और पाँव इस वक्त मेरे बिल्कुल ही जो है शल हो चुके हैं, और अभी घर जाके जो है मैंने ब्रेड लिया है, तो वो घर जाके मैं कुछ खाता हूँ ताकि यार कुछ थोड़ी एनर्जी आए, एंड देन आफ्टर दैट आई विल सी व्हाट कैन आई डू। तो अभी यार घर चलते हैं भाई। बस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है यार सब खैर खैरियत के साथ होगे। सो यार आज मेरा यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, तो अभी मैं सो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ। तो मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है, बहुत लवली मौसम है, फोगी फोगी हुई भी है आज काफ़ी ज़्यादा। तो अभी जो हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो मेरी 10 मिनट में पहली क्लास है। सो विश मी बेस्ट ऑफ लक और इंशाल्लाह आज का दिन अच्छा गुजरेगा। आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई यूनिवर्सिटी राइट नाउ। आई हैव टू मीट अ पर्सन, सो लेट्स सी, शी इज़ वेटिंग फॉर मी, सो आई एम गोइंग टू मेट हर। ओके, सो दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी एंड वाइट देयर इज़ द ITC डिपार्टमेंट इन विच आई गो एंड टेक माई क्लासेज, एंड आई एम राइट नाउ हेडिंग टूवर्ड्स विच हॉल, आई थिंक इट्स हेड हॉल, या इट्स हेड हॉल, एंड अ वुमन देयर न्यूरी इज़ वेटिंग फॉर मी। I have to talk to her and ask a few questions about my studies. So after that I will go to bank, so open my bank account. So let's see how the day goes. So yaar ye meri building hai jahan pe meri classes hoti hain, it's computer science building. To idhar hi bilkul hote the sath jo hai ek auditorium hai bahut bada, aur mujhe laga shayad wo samne Nuri Kim baithi hui hai, let's see. तो यार अभी जो है मैं यूनिवर्सिटी से निकल चुका हूँ, यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद जो है मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड के जिस मकसद के लिए बैंक जा रहा हूँ वो काम मेरा हो जाए, बिकॉज़ यहाँ पे सैटरडेज़ को जो है सब कुछ बंद होता है, और एक बैंक था वो खुला हुआ है। सो लेट्स सी अगर वहाँ पर जाके मेरा काम हो जाता है। तो इस वक्त मैं विंस्टर स्ट्रीट से निकल के जो है, आई डोंट नो स्ट्रीट का क्या नाम है, बट आई थिंक सो वो सामने लिखा हुआ है, तो जो भी स्ट्रीट का नाम है भाई हम इस स्ट्रीट पे जा रहे हैं बस। सो अब ये इनकी मेन जो रोड है वो आ गई है, तो ये कोई बच्चों का जो है ना स्कूल है यहाँ पे, आई थिंक सो स्कूल का नाम है दिस वन। और जब मैं कल यहाँ से गुजरा तो यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे, इन बच्चों का स्कूल है आई थिंक सो मे बी KG 1 and 2 तक। तो यहाँ पे बहुत कम आबादी है, मेरे ख्याल से जो टोटल आबादी है ना यहाँ पे वो इस वक्त 57,000 है यहाँ पे। और कुछ पूछा मैंने कुछ, तो इस वक्त जो है मैं यहाँ से नीचे उतर चुका हूँ, और जो भी यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यार जो कि स्टार्टिंग में आते साथ पैदल सफ़र करते हैं, उनसे गुजारिश है यार जब भी आप घर से निकलो, वन एवर यू गो आउट समवेयर सो टेक अ वाटर बॉटल विद यू, और भाई वो बहुत लाजमी है भाई, इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। मैं सुबह उठता हूँ और सबसे पहले गर्म पानी पीता हूँ क्योंकि उसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है।
सो अभी इस वक्त जो है तकरीबन मैंने 2 किलोमीटर और चलने हैं, और 2 किलोमीटर अभी मैं ऑलमोस्ट तकरीबन 1 किलोमीटर तो चला ही हूँ और 2 किलोमीटर और चलना है। अच्छा, लोग ये सोच रहे होंगे कि यार वाई ही इज़ नॉट गोइंग ऑन बस और वाई इज़ नॉट यूजिंग टैक्सी। तो यार भाई, यहाँ पे जो टैक्सी है ना, वो तो तुम सोच छोड़ ही दो ना, जितनी महंगी है ना यहाँ पे, तो वो तो बिल्कुल जो है ना आपके बारे में नहीं आती है। एज़ अ स्टूडेंट आप बिल्कुल उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और जहाँ तक बस की बात है यार, बस जो है यार उसका मेरा ना अभी तक पासिस का सीन जो है ना नहीं बना। वो भी बस का भी ये सीन होता है कि वो भी फ्री नहीं है, वो भी जो है यहाँ पे चार्जेस हैं। आई थिंक सो मैंने जहाँ तक मुझे पता चला है कोई $30 के 10 पासिस मिलते हैं आपको। तो ये 10 पासिस तो बहुत ज़्यादा ही मतलब के कम है, बट इतनी ट्रैवलिंग होती नहीं यार। मेरा मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है वो मेरा गुजर जाता है क्या नाम लेते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही। यहाँ पे ना ये बटन्स लगते होते हैं, पाकिस्तान में तो आपका जब दिल करता है मूव ऑन कर जाते हो ना, यहाँ पे आप मूव नहीं कर सकते, आपको ये बटन प्रेस करने हैं। और इस तरह वो सामने जो है वो एक लगा होता है हाथ का निशान बना हुआ, जब वो वाइट हो जाएगा तो आपने तब मूव करना है, उसके अलावा आप मूव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप मूव करते हो और अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो ये लोग उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। ये यहाँ की जो है वो रिजन स्ट्रीट है, आप देख सकते हो, और ये इनकी मेन रोड ही है। यहाँ पे जो है ना हैवी ट्रैफिक यहाँ पे चल रही होती है ज़्यादातर। तो यार मेरा ऑलमोस्ट 3 मिनट का रास्ता रह गया। एक तो यार जब भी व्लॉग शुरू करता हूँ ना, तो कोई ना कोई गाड़ी गुजर जाती है पास से। कंट्रोल। तो 3 मिनट का रास्ता रह गया ऑलमोस्ट, अभी है कोई 700 or 800 meters रह गया। काफ़ी ज़्यादा तो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, सो आपको मैं अपनी शक्ल तो बिल्कुल नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं ऊपर सर से ले गए नीचे पाँव तक फुल पसीना पसीनी हुआ हूँ। बस थोड़ी देर में और पहुँच जाएंगे, फिर मैं इंशाल्लाह जो है ना जब बैंक पहुँचूँगा तो वहाँ जाके आपको मैसेज करूँगा। तो तब तक जो है आप व्यूज़ देखें। मैं तो यार इसलिए पैदल भी वॉक इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि यार फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, तो अच्छा भी लगता है, इंसान को एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या जगह है। अब पाकिस्तान तो है नहीं कि भाई हाँ क्रीम कराई, उबर कराई, इन ड्राइवर कराई, अपने मर्जी का रेट सेट किया और निकल गए चुप करके, गजब बेइज्जती है भाई। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये लगता है प्लेग्राउंड है बच्चों का, और बस थोड़ा सा और रास्ता रह गया, लेट्स सी। चलो मैं आप लोगों से जो है ना बैंक जाके मिलता हूँ। तो यार CIBC में आ गया था, यहाँ से मेरा जो है काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जिस काम के लिए आया था। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार हो जाएगा, सो अल्हम्दुलिल्लाह यार वो हो गया। सो अब जो है यार मैं जा रहा हूँ यहाँ से आके, मुझे वॉलमार्ट जाना है, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है। सो मुझे वहाँ पर जो है डॉलरामा नज़र आ गया, इट्स अ $1 स्टोर। सो यार यहाँ चलते हैं और यहाँ जाके भी विज़िट करते हैं कि यार क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर तो कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी तो यहाँ से ले लेंगे, वरना रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो फिर हम जो है वहाँ वॉलमार्ट से जाके ले लेंगे। वैसे अभी यहाँ पे और भी काफ़ी स्टोर्स हैं जहाँ पे काफ़ी फिर भी कुछ रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करूँगा। सो इंशाल्लाह आपको वो भी जगहें दिखाएंगे जहाँ से जो है रीज़नेबल प्राइस की चीज़ें मिलती हैं। मिलती तो यहाँ से भी हैं, बट दे थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। सो लेट्स सी। अरे एक तो भाई जितनी हाइकिंग ने जो है ना जान निकाल ली है ना, हाइकिंग बहुत ज़्यादा है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। अभी बस कुछ दिनों तक जो है ना मैं बस पास अरेंज कर लूँगा भाई, क्योंकि इतना ट्रैवल नहीं होता, बट बस ये ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बस ये ग्रोसरी वगैरह एक दफ़ा कर ली तो उसके बाद फिर एक दफ़ा ही आना पड़ेगा महीने में, बार बार तो नहीं आना यहाँ पे। सो क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरा बहुत टाइम गुजर जाया करेगा, सो लेट्स सी। और यार जॉब भी करनी है यार, जॉब भी ढूंढनी है अभी, उसके लिए भी जो है ना अभी सर्च आउट करनी है। अभी मुझे आज मेरा 4th day है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आज घर जाऊँ, तो घर जाके जो है ना मैं सर्च आउट वगैरह करना शुरू करूँगा जॉब्स के लिए भी। सो ओके, हम आ गए इस वक्त डॉलरामा स्टोर, सो अंदर चलते हैं देखते हैं क्या है अंदर। तो यार इस वक्त जो है मैं वॉलमार्ट की तरफ जा रहा हूँ, तकरीबन 5 मिनट में मैं वॉलमार्ट पहुँच जाऊँगा, और धूप बहुत मज़ेदार किस्म की निकली हुई है।
Wow! Beautiful! आज तक मैं पसीनों पसीनी हुआ हूँ फुल टाइम. तो यार सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम वॉलमार्ट आ गए हैं, रेजन स्टोर भी यहाँ पे है. अभी पीछे मैं $1 स्टोर गया था, बट वहाँ पे मुझे कुछ इतनी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, खास नहीं लगी. वहाँ कुछ पड़ा नहीं हुआ था, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो वहाँ पे नहीं मौजूद थी, तो फिर मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया. यहाँ पे ना यार और भी स्टोर्स हैं जैसे मैंने बताया, जहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं. सो बेहतर यही रहता है कि यार यहाँ से चीज़ें ले लो. कुछ चीज़ें हैं जो कि यार यहाँ से नहीं अच्छी मिलती, वो दूसरे स्टोर से ले लेनी चाहिए. बट मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें जो है ना, जो लोग स्टार्टिंग में जो भी लोग आते हैं वो यहीं आते हैं. और मैं भी यही कहूँगा यार कि जो बच्चे स्टार्टिंग में आ रहे हैं, अगर तो यार कोई यहाँ पे हेल्पर मौजूद नहीं है ना, कोई आपके साथ जाने वाला मौजूद नहीं है, तो वॉलमार्ट इज़ द बेस्ट प्लेस. सबसे पहले यहाँ पे खुद आओ, एक दो दफ़ा यहाँ से शॉपिंग वगैरह करो, देन उसके बाद जैसे ही टाइम गुजरेगा आपको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होने लग जाएगा यार कि हाँ और भी डिफरेंट प्लेसेस हैं, तो वहाँ से भी चीज़ें मिल जाती हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग. सो यार आज जो है संडे है और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच है. तो अभी जो है मैं उठा हूँ, तकरीबन यहाँ पे हो रहे हैं ऑलमोस्ट 12 हो रहे हैं. तो एक नीचे फ्रेंड हैं, उन्होंने घर में जो है इंतज़ाम किया हुआ है मैच देखने का. तो मैं उठा हूँ, मैंने नाश्ता वगैरह किया, तो मैंने कहा चलो उनकी तरफ चलते हैं. तो ये ऑलमोस्ट मेरा आज जो है चौथा दिन है आज मेरा यहाँ पे. और इस वक्त जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मौसम की, तो आप देख सकते हो यार वेरी शाइनी वेदर हेयर. और इस वक्त जो है मैं विंसर स्ट्रीट की तरफ जा रहा हूँ. जिस स्ट्रीट पे मैं रहता हूँ इसका नाम है ग्राहम एवेन्यू. तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ नीचे विंसर स्ट्रीट की तरफ. तो यार यहाँ पे जो है ना बहुत खामोशी होती है, लोग जो है यहाँ पे इतना जो है ना यहाँ पे सोशल नहीं है एक दूसरे के साथ, बातचीत बहुत कम है. हाँ वीकेंड्स वगैरह के ऊपर जो है ना पार्टी वगैरह बहुत करते हैं यार ये लोग. जहाँ मैं रहता हूँ, जिस घर में रह रहा हूँ, उस घर के पीछे जो है अभी एक दो दिन पहले जो है जो वीकेंड था फ्राइडे आफ्टरनून, तो लड़के और लड़कियों ने पार्टी वगैरह की है और काफ़ी हल्ला गुला किया है लोगों ने, तो काफ़ी लेट नाइट तक जो है ना शोर रहा है. सो वो सामने कोई बेकरी है जिसका मुझे किसी ने बताया था. आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है जा रहा हूँ डाउन टाउन की तरफ, ये नीचे की तरफ जाता है एरिया, वरना तो यहाँ से मेजोरिटी जो है जब भी मैं ऊपर जाता हूँ तो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर ऊपर ही वॉलमार्ट की तरफ ही जाना होता है. तो आज जो है मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा हूँ. तो यार सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं कुछ गलत रास्ते चला गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शेरियार भाई के घर है, बट जब मैंने लोकेशन चेक किया तो वो 769 विंडो स्ट्रीट है, वो तो ऊपर की तरफ है. तो फिर सारी चढ़ाई करके ऊपर की तरफ वापस आए मैं वापस. यहाँ पे यार ये बहुत इशू है, जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो जस्ट लाइक माउंटेंस के जब आप क्लाइम कर रहे हो तो काफ़ी जान लगती है, बट जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो इट्स क्वाइट ईजी. तो ऊपर चढ़ते वक्त तो भाई लग पता जाता है स्ट्रेट रोड्स नहीं है. अभी जैसे अभी ट्रैक सीधा है, इट्स गुड, बट अगर मैंने यहाँ से नीचे जाना है तो आसानी रहेगी यहाँ से. बट अगर यही ट्रैक में सारा ऊपर की तरफ आ रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि वो कितना स्टीप है, वो अच्छा खासा स्टीप है. तो अगर कोई वहाँ से आ रहा है ऊपर तो यार उसकी तो वैसे ही जो है बस हो जाएगी. Assalamu alaikum. कैसे हैं यार सब लोग, ठीक ठाक हैं? तो यार आपके भाई के पास तो यार बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा व्लॉग करने का. सो ये मेरी यूनिवर्सिटी है सारी, दिस इज द होल यूनिवर्सिटी. तो क्या नाचो मैं?
तो यार सीन कुछ ऐसा था कि यार आज तो मैं पूरा दिन लाइब्रेरी में ही गुजर गया क्लासेस के बाद, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत टफ हैं तो उनको करने में बहुत टाइम लग गया। दिस इज़ द लाइब्रेरी, और वो सामने जो है यार मेरे दो दोस्त जा रहे हैं। आई फाउंड देम टुडे, सो दे आर वेरी नाइस एंड दे आर वेरी हेल्पिंग। हे बशीश, लुक हियर, ही इज टू शाय मैन, ही इज टू शाय, बट ना माय 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 बॉय उमर, हे। So right now we're going towards the bank. That guy has to give money to me. He's a rich man. New Brunswick is very beautiful. Look, they are playing football. Football देख के मुझे उसामा की सावेस की याद आ गई है। Look at the ground, boys. Ooh, that's beautiful. These are some views. हाँ उसामा, इनके साथ 1v1 करना तूने? है सावेस, 1v1 हो जाए इनके साथ तेरा फुटबॉल का। These guys are copying me to become a vlogger. Look, he started doing vlogs. तो यार अभी जो है हम बैंक से पैसे निकाल चुके हैं, तो राइट नाउ जो है अभी हम जा रहे हैं नीचे ग्राम एवेन्यू की तरफ जहाँ पे मेरा घर है। सो बशीश हैज़ टू कम विद मी, ही हैज़ टू मीट समवन देयर, आई थिंक देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ हिम, सो ही सेइंग दैट ही विल प्रोबेबली गो विद मी। तो यार आज तो यूनिवर्सिटी में इतना टाइम गुजर गया, आज मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में पहला दिन था जो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है। इट्स लाइक माई फर्स्ट डे टूडे, बिकॉज ऑन फ्राइडे इट्स लाइक माई orientation day, so not of I think there was no work on Friday, but after that, oh my god, a lot of work, a tons of work, and they are giving assignments like that, you are hitting six on the every ball. So it's pretty much bizarre. Today it takes me around 4 hours to do one assignment of physics, and the physics assignment they have given to us is like that, they have not taught a single word of that, and we have to do that on our own, and it's literally so much frustrating. It also has grades, so if I done it wrong, so it will be a great mess or trouble for me. So bahut English ho gayi hai, aur nahi boli ja rahi, subah se bol bol ke jo hai na thak gaya hu, inke sath bahut bolni padti hai. पूछता हूँ खुद से इतने बड़े भी क्या सपने, आगे आया मैं पीछे चूक गए अपने, कभी चुप रहूं कभी टूटे हैं सबर, मुझे पता भी नहीं ब्रो कब जाऊंगा मैं घर, पहले लड़ता था रोज मुझे घर का नहीं खाना, अब मिस करता हूँ रोज घर का मैं खाना, सुकून इस घर में मैं ढूंढू अब कहाँ, क्योंकि घर जब आता मुझे दिखती नहीं माँ।